रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कैमूर में दीपावली पर दिया बनाने में जुटा परिवार, चाइनीज लाइट की रोशनी में दियो की चमक खोने का डर। लखीसराय में पंचायत समिति की बैठक हुई संपन्न, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की रखी मांग। सहरसा बिहार में उत्पाद विभाग के नए भवन का हुआ उद्घाटन, डीएम आनंद शर्मा रहे मौजूद। सहरसा बिहार में ज्योतिषचार्य ने बताया धनतेरस का महत्व, धनतेरस पर भगवान धनवंतरी की करते हैं पूजा। मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में गड़बड़ी, रिजल्ट को लेकर छात्रों ने गेट पर किया विरोध। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में, मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। नालंदा में शिवदत्त बिघा गांव में एक महिला की मौत को पुलिस आत्महत्या बता रही है। आपको बता दें कि महिला की शादी घर वालों ने क्षेत्र के रसलपुर गांव में की थी। वहीं महिला का पति महिला के साथ मारपीट करता था, जिसके बाद महिला का शव फंदे से लटकता मिला था। इसकी सूचना मिलने के बाद महिला के मायके पक्ष के परिजन पहुंचे, शव को पंखे के सहारे फंदे से लटका कर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया। इसके बाद हत्या की सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सर हमको पैसा तो बर बकाया था ना, लेकिन टॉर्चर काहे लग करते थे हमको ये बात मालूम नहीं। हमको बच्चे रहते हमको फोन किया, हमको आ रहा था कि मार देंगे मार कि पापा 10:30 बजे हमको बात हुआ कि पापा जल्दी आइए, बहुत कुछ कर रहा था कुछ क्या मालूम है कि सर किया था जल्दी उसको। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, उसके बाद हमको फिर दूसरे से मैसेज आया कि जब हुआ तो डेथ कर गया, कदबा के डेथ पे। अच्छा, रातें सूचना दिए थे आपके बच्चे। अच्छा, कुछ पैसा उसका के डिमांड होता था? पैसा की डिमांड है, कितना डिमांड का तो बताई होगी कुछ? हमको तो नहीं किया कि कितना मांग रहे हैं, हम तो ये बात करा बोलते हमको से बात नहीं हुई। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर अतिक्रमणकारियों और अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए जगहों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के कई जगहों पर अवैध रूप से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। इस मौके पर सिकंदर ओपी प्रभारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। खबर रोहतास से है, जहां पुलिस केंद्र एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के परेड ग्राउंड में शहीद हुए बिहार के 6 एवं देशभर में शहीद हुए 260 पुलिस वालों को अन्य पुलिस कर्मियों ने श्रद्धांजलि दी। और इस खास दिन पर पिछले एक साल से देशभर में शहीद हुए पुलिस पदाधिकारियों और जवान अर्धसैनिक बल और सैनिकों को की याद में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां बगहा प्रखंड के हर दिन दवा पंचायत से हरहा नदी में अवैध बालू खनन किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और मामले में छानबीन करने के बाद पुलिस ने 5 टायर को जब्त कर आरोपी को जेल भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। नालंदा में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि अब बिहार के गांव भी शहर जैसे सुंदर बनेंगे, शहरों की तरह गांव में भी घर घर जाकर सफाई कर्मी कचरा लेने जाएंगे और गांव में सफाई होगी तो लोग रोग मुक्त होंगे। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेहनत और सोच का नतीजा है ये सूबे के गाँव को स्मार्ट बनाया जा रहा है। राज्य के 2600 से ज्यादा पंचायतों में इस तरह का काम शुरू किया गया है और स्वच्छता को अपनाने के लिए संदेश दिया जा रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार जी के शासन में गांव स्मार्ट बन गया, तो जब तक कचरा का प्रबंधन ठीक से नहीं होगा तब तक गांव को स्मार्ट नहीं देखा जा सकता है। कचरा प्रबंधन के माध्यम से हर घर से कचरा
निकाल करके प्रोसेसिंग किया जाएगा और गांव को खूब साफ और सुथरा रखा जाएगा। यही इस कार्यक्रम का मकसद है जिसको लेकर के राज्य भर में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया के साठी से है, जहां पुलिस ने सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए देशी शराब के कारोबारी सहित आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ बिहार मध्य निषेध उत्पाद अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। खबर नालंदा से है, जहां नशे की हालत में एक युवक ने सोहसराय थाना परिसर में जमकर हंगामा किया, जिस मामले को बढ़ता देख युवक की पत्नी और बेटे ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराने वाले फरियादियों की परेशानी सुनी और मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। थाना है और यहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं शराबबंदी है, शराबबंदी के नाम पर एक पियाक है जो कम से कम 3 घंटा से लगातार ड्रामा चल रहा है। कहाँ? सुसर थाना अंदर कैंपस में। कहाँ का है वो? वो बिहार शरीफ का ही है, आसन नगर मोहल्ले का है। सबको परेशान कर रखा है, कम पूरे प्रशासन को मतलब भंग करके रखे हुए, हर मतलब लगता है 8-4-5 को केस करने वाला भी है, किसी का कोई काम हो नहीं रहा। खबर कैमूर से है, जहां दिवाली पर दिया बनाने वाले कुम्हार काफी उत्साहित हैं और पिछले 3 महीने से इस पर्व के लिए पूरा परिवार दिया बनाने में जुटा है और महंगे दामों पर मिट्टी खरीद कर दिन रात परिश्रम कर रहा है, लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर अब यह डर सता रहा है कि दियो की चमक कहीं चाइनीज लाइट की रोशनी में दब ना जाए। कब से अब काम स्टार्ट पीली बनी? तीन महीने से दिया बनाओ स्टार्ट कर दिले बनी। आ कितना साल से आप दिया बनाओ तो नहीं? ये दिया कितना साल से आप काम करते नहीं? बनाए वाला दिया बनाए वाला काम दस बरिस से ऊपर हो गए। 10 बरिस से कैसे बनाई आप दिया? पहले क्या कर आप? अच्छा अच्छा, दिवाली के लिए बना रहे हैं। बिक जाता है जितना दिया आप लोग बनाते हैं? बनाते हैं तो बिक जाता है, सीजन में बिकता है, दिवाली जैसे आ गया पूजा पाठ में जाता है। अच्छा अच्छा, इसी तरह सब बिक जाता है। कितना दिया बनाते हैं आप लोग? हम लोग एक दिन में 1500, 2000, 3000 तक बनाते हैं। अच्छा, तो सरकार द्वारा भी कुछ लाभ मिलता है आप लोग को? कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं, क्या मांग आप करना चाहते हैं सरकार से? मांग यही है कि मिट्टी के लिए जगह चाहिए। अच्छा, और हम लोग जैसे जगह चाहिए काम करने के लिए। अच्छा, तो शहर है, शहर में जगह उतना मिल नहीं रहा है काम करने में। अच्छा, लखीसराय में पंचायत समिति की बैठक में स्वास्थ्य और योजना पर माहौल गर्म है। प्रखंड कार्यालय चानन की कृषि सभा कक्ष में प्रखंड प्रमुख चानन की अध्यक्षता में पंचायत समिति की सामान्य बैठक हुई। आपको बता दें कि बैठक में मलिया पंचायत में एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की मांग की गई। वहीं उप प्रमुख ने आरोप लगाया कि लाखोचक और सिंहचक में जमीन रहने के बावजूद भवन नहीं बन रहा है, वहीं लाखोचक में अस्पताल संचालित करने का प्रस्ताव रखा गया। बेतिया में नरक टिकिया गंज प्रखंड में पंचायत समिति की बैठक को स्थगित किया गया। आपको बता दें कि मुखिया को प्रखंड प्रशासन द्वारा सूचना नहीं दिए जाने के चलते मुखिया बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसके चलते बैठक को स्थगित करना पड़ा। पंचायत समिति के बैठक में विधायक भी मौजूद रहे, लेकिन प्रखंड क्षेत्र के कोई मुखिया बैठक में नहीं पहुंचे। प्रखंड के विकास के लिए और तमाम पदाधिकारियों को जवाबदेही दी जा सके जो जिस विभाग से संबंधित है, तो ये बैठके नहीं होने से तो एक तरह से ये तमाम चीज़ें बाधित होती हैं। तो बात हुई है अभी वीडियो साहब से कि लगातार वो बैठके हों, कम से कम 2 माह पर बैठके होनी चाहिए, ये नियम भी है, तो इसके लिए एक बातचीत हुई है। और जहां मतलब जो है एक तरह से संपर्क का कम्युनिकेशन का जो गैप है उसको ठीक किया जाना चाहिए।
हुए मुखिया, जिसके कारण बैठक को स्थगित कर दिया गया। पंचायत समिति होने वाली थी जिसको स्थगित कर दिया गया। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के मीडिया अध्यक्ष विभाग और एमएसडब्ल्यू विभाग के सेमेस्टर रिजल्ट में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के छात्रों ने गेट का तालाबंदी कर विरोध किया। वहीं छात्र नेता ने कहा कि सेमेस्टर रिजल्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है, जिसके बाद छात्रों का कहना है कि प्रशासन रिजल्ट में सुधार करे, जो भी गड़बड़ी हुई हो दोषियों पर कार्रवाई की जाए। गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के मीडिया अध्ययन विभाग और एमएसडब्ल्यू का कल हम लोग जब रात में रिजल्ट को लेकर के प्रदर्शन किया, रिजल्ट में आप देखेंगे तो जिन बच्चों को टारगेट किया गया था, जिन बच्चों को धमकाया जा रहा था क्लास में कि आपको फेल करा देंगे, उनको फेल कराया गया। उस रिजल्ट को आप जब देखेंगे तो सबसे ताजुब ये हो गया कि अन्य प्रोफेसरों के विषय में सारे बच्चे पास किए हैं, लेकिन मीडिया अध्ययन विभाग के जो अंजनी झा एचओडी है उनके ही विषय में अधिकतर बच्चे फेल किए हुए हैं। क्योंकि ये इसमें टारगेट करके बच्चों को फेल कराया गया है, एक एक नंबर दो दो नंबर करके कम कर करके फेल कराया गया, ये मानसिकता नहीं चलेगा। और उन्होंने बच्चों को सुबह में क्लास नहीं करके सारे बच्चों को एक जगह बैठा के और भड़का के और यहाँ पे तालाबंदी कराया। वो सारे बच्चे टॉपर थे जिन्होंने चाटते हैं उनके, वो सारे बच्चे उनके साथ थे, वो सारे बच्चे यहाँ पे आए हुए थे और तालाबंदी किए हैं और दबाव लग के वो खुद आकर और यहाँ पे तालाबंदी करके और उस फिर से उस रिजल्ट को अपलोड कराया। खबर कैमूर जिले से है, जहां सदर अस्पताल में स्थित एएनएम कॉलेज में इनकम टैक्स ने सीनियर इंस्पेक्टर जांच करने पहुंचे, जिसके बाद जांच करने आए सीनियर इंस्पेक्टर को पुलिस ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया। वहीं पूछताछ के बाद पता चला कि वो फर्जी इनकम टैक्स का सीनियर ऑफिसर बनकर एएनएम कॉलेज की जांच करने पहुंचा था। वो इनकम टैक्स का सीनियर इंस्पेक्टर बता रहा था और उन्होंने बताया कि मुझे एनएम स्कूल की हॉस्टल को जांच करना है। हमने पूछा भाई किसकी परमिशन है, तो उन्होंने डीएम साहब सासाराम धर्मेंद्र कुमार का परमिशन है, उन्होंने डायरेक्ट हमको भेजा है जांच करने के लिए। हमने पूछा रिटर्न ऑर्डर है, उन्होंने कि नहीं है रिटर्न ऑर्डर। उसके बाद मैंने उसके मोबाइल नंबर पूछा, जब नहीं बताया तब मुझे शक हुआ, फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस सासाराम में लालगंज कोराइच नहर पर छठ घाट बनाने गए दो युवकों का पैर फिसलने से नहर के पानी में जा गिरे। पानी में गिरने से वह पानी के तेज बहाव में आ गए। आपको बता दें कि जिसमें से एक युवक को मौजूदा लोगों ने बचा लिया, जबकि दूसरे युवक की तलाश जारी है। कुछ बच्चे अपना घाट उट बनाने के लिए, धो पोछ करने के लिए आए हुए थे लालगंज के, और उसी में पैर फिसलने की वजह से दो बच्चों की डूबने की सूचना, लेकिन एक को तो बचा लिया गया, दूसरा उस तेज बहाव में बह गया, और जिसमें जिला प्रशासन पुलिस बल को सूचना दी गई और जिला प्रशासन के माध्यम से गोताखोर की टीम आई है, खोजबीन जारी है, देखिए सफलता कहां तक मिलती है। जिला अधिकारी और उत्पाद अधीक्षक की उपस्थिति में उत्पाद विभाग के नए भवन का फीता काट कर उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि डीएम उत्पाद भवन पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए मौजूद उत्पाद कर्मी ने सलामी दी, जहां डीएम ने सबसे अधिक बुजुर्ग उत्पाद जवान श्यामानंद झा को बुलवाया, फिर उनके हाथ में ही मुख्य भवन का फीता कटवाया। इंटीग्रेटेड कैंपस के रूप में होगा अब हमारे सहरसा में एक्साइज का, जिसमें कार्यालय भी है, पुरुष और महिला दोनों हाजत भी है, और महिलाओं के लिए बैरक भी है। तो ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे एक्साइज की और मद निषेध की मुहिम को और बल देगा, और पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, और बीसीडी को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट भी, जो समय सीमा के अंदर ही जो है ये पूरी बिल्डिंग को करके कम्प्लीट किया, और ये इंफ्रा अब हमारे सहरसा के लिए एक्साइज के क्षेत्र में एक इम्पॉर्टेंट। सहरसा बिहार में भारत के पसंदीदा ज्योतिष संस्थानों में से एक ब्रजकिशोर ज्योतिष केंद्र के संस्थापक ज्योतिषाचार्य पंडित तरुण झा जी ने बताया कि धनतेरस का त्यौहार इस बार बेहद शुभ संयोग लेकर आ रहा है। धनतेरस दिवाली से दो दिन पहले मनाया जाता है, इसे धन्योत्तरदशी के नाम से जानते हैं। धनतेरस पर भगवान
धनवंतरी की पूजा करते हैं। सभी को ये बताना चाहते हैं जो इस बार 22 अक्टूबर को जो है वो धनतेरस का पर्व पड़ रहा है और धनतेरस के पर्व में इस बार लोगों को जो है सो जो भी खरीदारी करते हैं उसके अतिरिक्त माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और कम से कम यदि संभव हो तो एक चांदी का सिक्का जो लक्ष्मी गणेश का है मिनिमम वो परचेज अवश्य करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए और उसको अपने गले में रखना चाहिए। इससे माँ भगवती काफी प्रसन्न होती है और उसी के तदुपरांत 23 अक्टूबर को हनुमान जयंती है उसमें हनुमान जी की पूजा होनी चाहिए और 24 तारीख को हमारा दीपावली है। दीपावली इस बार बहुत बेहद शुभ संयोग में पड़ रहा है। बिहार में लोगों की सुरक्षा के लिए गश्त पर निकली पुलिस की गाड़ी थाने में खराब हो गई जिसके बाद पुलिस वाले गाड़ी से उतरकर गाड़ी को धक्का देने लगे। पुलिस वालों ने गाड़ी से उतरकर लगभग 10 मीटर तक धक्का लगाया लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस की धक्का मार गाड़ी देखकर बिहार पुलिस को आधुनिक बनाने की बिहार सरकार के दावे का पता साफ तौर पर लगाया जा सकता है। मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र में दो मोबाइल की दुकान में चोरी हो गई। आपको बता दें कि मोबाइल दुकान से लगभग 25 लाख रुपए के सामान की चोरी हुई। वहीं दुकान मालिक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है जहां आम आदमी और जिला पंचायत चंपारण द्वारा सिकटा विधानसभा डमरापुर पंचायत के विरंची कॉलोनी और तिलोजपुर कॉलोनी में जनसंवाद किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ली और इस दौरान कार्यक्रम में कई युवा कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया। खबर नालंदा से है जहां बदमाशों ने सेंधमारी कर गौशाला से दो बकरियों की चोरी कर ली जिसके बाद गौशाला में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखा गया तो उसमें एक बदमाश चोरी करते हुए कैमरे में कैद हो गया। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस को सूचना दी गई जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। चोरी हो गया है, हम रात में खाना उना खिला के शाम में बांध के गए तो ठीक ही से बांध के गए, सब चीज अच्छा से देखी गए। जब सुबह हम आते हैं चारा देने के लिए तो देखे कि मेरा एक बकरी और एक खस्सी नहीं है, वो चोरी हो गया। हम अकचका गए तो देखे कहाँ से क्या हो गया भाई, तो देखे तो उधर पटी तो मेरा दीवाल 5 इंची का दीवाल था उसको छेनी हथौड़ी से काट करके देखे तो छेद होल हुआ लेके भाग गया। मगर हम देखे कैसे हो गया तो हम CCTV लगाए हुए हैं, जब CCTV हम देखते हैं तो देखे कि एक लड़का आता है उधर से खोल के तरफ से जो उधर होल किया है उधर से आता है और दोनों मेरे पकड़ी या खसी को लेकर। खबर सहरसा से है जहां दिवाली पर दिया बनाने वाले कुम्हार त्योहार को लेकर काफी उत्साहित हैं और काफी समय से इस पर्व के लिए पूरा परिवार दिया बनाने में जुटा हुआ है जिससे कुम्हारों का भी अच्छा कारोबार हो जाता है। जिसके लिए कुम्हार महंगे दामों पर मिट्टी खरीद कर दिन रात परिश्रम कर रहा है लेकिन उसे अंदर ही अंदर अब डर सता रहा है कि दियो की चमक कहीं चाइनीज लाइट की रोशनी में दब ना जाए। और हमारा सबके कारोबार पूरे एकदम स्थगित भए गेले है। जे पहले चलै रहे माटी के कारोबार जना कि दिया धूपदानी मटकुरी मटकुरा जे भी रहे बिके रहे अच्छा से वैसे घर परिवार चलै रहे, लेकिन अभी वर्तमान में माटी के बर्तन के एको रती मांग नहीं छे, जे कि बना के अभी पूरा रखल छे घर में बिकिए नहीं रहल छे। एहि लए के हमरा आर के घर चलेनाइ भी मुश्किल भए गेले है, जे ऐसे सोचबै जे गुजर बसर भए जाए माटी से। आ लए जाइ छी बेचै लए तऽ कोइ लेबो नहि करै छै, ओनी घुरि के चलि आबै छै एना, आ ई थोड़ा गरीब छियै एना, आओर की कहब एना हमे। परिवार केना चलै छौ? परिवार एना अभी तऽ सर एनी निमक रोटी चलि रहल छै एना, काम धंधा आर पर जाइ छियै कतौ कतौ मिल जाइ छै नहि तऽ नहियो मिलै छै, घर चलि आबै छियै एनी बैठले रहै छियै। आप देखै छियै मट्टी के बर्तन यार अगर बिक गेलै तऽ वैसे पेट भात चलतै एना, नहीं तो की करबै भूखल कनी मनी तो रहिए पड़तै एना।
खबर कैमूर से है, जहां अपराधियों ने नशे की हालत में अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या कर दी, जिसके बाद इस मामले में पुलिस को सूचना मिलते ही मामले की छानबीन शुरू की और 16 घंटे के अंदर ही पुलिस ने शव को बरामद किया और साथ ही इस हत्याकांड में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सोलह तारीख को भगवानपुर थाना अंतर्गत नदुला गांव में वहां के राधे श्याम सिंह ने उनके बेटे और उनका एक साथी, इन दोनों लोगों की मिसिंग का मामला प्रकाश में आया था, जिसके आधार पर 17 तारीख को आवेदक के द्वारा भगवानपुर थाना में एक कांड दर्ज कराया गया था और अगले ही दिन उसमें से जो एक व्यक्ति थे, इनका नाम बबलू था, उनकी डेड बॉडी जो तुतवाइन डैम है उसके पास पहाड़ से बरामद की गई थी। ये मामला अत्यंत ही संवेदनशील था और इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए SDPO भगुआ के नेतृत्व में एक SIT गठित की गई थी। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।